अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और आप देख रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन एकेडमी यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर बुक के टॉपिक मोडैम एंड नेटवर्किंग को पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोडैम क्या होता है मोडैम इज़ अ डिवाइस डेट इनेबल अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डाटा फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीफोन और केबल लाइन यानी कि मोडैम कोई भी डिवाइस है जो कि ट्रांसमिट डाटा डाटा को ट्रांसफ़र करती है डिजिटल डाटा को जैसे कम्प्यूटर इन्फॉर्मेशन स्टोर डिजिटली वेयर एज इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइन्स इज़ ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एनोलॉग वेव्स अमोडेम कन्वर्ट्स बिटवीन दीज टू फॉर्म्स यानी कि इन दो जो किस्में इनको तब्दील करते हैं, अब इसकी एप्लीकेशन किया अमोडेम की पी ओ एस ए पॉइंट ऑफ सेल रिमोट मैनेजमेंट ब्रॉडबैंड इंटरनेट डाटा ट्रांसफर और मशीन टू मशीन ये अब इसके डायग्राम भी देख सकते हैं कि अमोडैम का क्या काम है बेसिकली डाटा ट्रांसफ़र करते हैं अब पॉइंट ऑफ सेल क्या है पी ओ एस इज वन ऑफ द मोस्ट हैवली यूज एप्लीकेशन बाय द एवरी डे कस्टमर एनी टाइम यू पे वाई क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड देर इज अमोडम बिहड इट ट्रांसफरिंग दैट डाटा यानी कि आप क्रेडिट कार्ड से या कोई भी बैंकिंग के जो अंदर जो काम करते हैं तो वो किस सूरत में जाती है जो रकम होती है वो किस सूरत में जाती है जो इंफॉर्मेशन होती है वो मोडेम के जरिए जाती है अब इसकी एग्जाम्पल दी हुई है क्रेडिट कार्ड पेमेंट ए टी एम कैश मशीन और टिकटिंग मशीन इन ट्रेन स्टेशन बस स्टेशन एंड एयरपोर्ट पॉइंट ऑफ सेल तो ये इसके एम भी आ सकते हैं इसके एग्ज़ाम्पल में इसके बाद रिमोट मैनेजमेंट है रिमोट मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप मोडेम uh, के जरिए दूर बैठे ही अप्लीकेशनस uh, को कंट्रोल कर सकते हैं यानी कि वो जगह जहाँ पे आप नहीं जा सकते वहाँ पे भी आप मोडेम के जरिए चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं जैसे इसकी एग्जांपल में आप uh, देख सकते हैं कि लाइट टाइमिंग कंट्रोल टू रेगुलेट ट्रैफिक फ्लो अब इसके बाद ब्रॉडबैंड इंटरनेट है इंटरनेट भी जारी बात है एक डिजिटल फॉर्म है डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में जाता है तो ये भी मोडम के जरिए जाता है मनी स्मॉल मीडियम एंड लार्ज कंपनीज डिपेंड ऑन कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन कनेक्शन टू रन देयर बिजनेस मनी कंपनी रिलाई ऑन ब्रॉडबैंड कनेक्शन फॉर देयर इंप्लॉयी कोनेक्शन इसकी एग्जाम्पल दी हुई है पी टी सी एल ब्रॉडबैंड वह तीन ब्रॉडबैंड और वाई ट्राइव ब्रॉडबैंड इसके बाद डाटा ट्रांसफर है मनी लार्ज कंपनीज़ हैव हेड क्वार्टर वेयर ऑल डाटा इज सेंट्रली लोकेटेड नॉर्मली दिस मिन ऐट द अदर लोकेशन नीडिड टू सेंड द डाटा इन हेड कोार्टर ऑन अ डेली बेस अब इसमें भी मोडैम इस्तेमाल होते हैं यानी कि मिसाल के तौर पर पे, जो पेरेंट कंपनी है जो यानी कि मरकज़ी दफ्तर है वो इस्लामाबाद में बाकी मुख्तलिफ़ शहरों में उसकी ब्रांचेज हैं और हेड कोार्टर में सारे डाटा जमा होता है तो वो सारे जरांचेज उसको डेली बेस के ऊपर जो है वो डाटा भेजती हैं अब इसमें एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है डेली सेल इन्फार्मेशन सेंड टू तो हेड कोार्टर फ्राम डिफरेंट ब्रांचिज़ इसके बाद है मशीन टू मशीन टिपिकली हैव अ कम्युनिकेशन लिंक कनेक्टिंग टू मशीन्स कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ट्रांसफर डाटा और कम्युनिकेट विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन यानी कि इसमें कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता मशीन टू मशीन डाटा ट्रांसफर होता है मोडेम के जरिए एक्जाम्पल इसकी मेडिकल डिवाइस ट्रांसफरिंग टेस्ट रिजल्ट टू अ कंप्यूटर एट अ डॉक्टर ऑफिस आप अक्सर लैब में टेस्ट करवाने जाते हैं तो वो आपका व्हाट्सएप नंबर या कोई आपको लिंक दे देते हैं कि इस लिंक के ऊपर जाकर जो आप इस टाइम के बाद अपनी रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं तो इसमें आपको दोबारा जाना भी नहीं पड़ेगा वहाँ से भी एक मशीन ने इस तरफ आपकी मशीन के पास जो है एक जो डाटा सेंड कर दिया इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क है कंप्यूटर नेटवर्क का आपको पता है मुख्तलिफ जो कंप्यूटर्स आपन मिल के नेटवर्क बनाते हैं जिसमें वो इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करते हैं अब द कंप्यूटर इज़ नेटवर्क आर कनेक्टेड विद वन एन अदर थ्रो केबल सेटेलाइट और टेलीफोन लाइन इसके एडवाटेजेस के हैं जी कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर इजीली शेयर डाटा एंड फाइल्स स्टोरेज फैसिलिटीज कैन बी शेयर्ड प्रिंटर कैन बी शेयर्ड और देयर इज़ कंट्रोल ओवर विच प्रोग्राम डाटा एंड हार्डवेयर अ यूजर हैज़ एक्सेस टू इसके डिसएडवांटेज क्या है के कि वायरस कैन स्प्रेड मोर इजीली यानी कि अगर वायरस आया ही कंप्यूटर में तो उससे वो सारे कंप्यूटर्स में फैल जाएगा डाटा इज शेयर्ड देयर इज ग्रेटर नीड फॉर सिक्योरिटी सिक्योरिटी की बहुत इसमें होगी कि ये ना हो कि हर किसी के पास वो चला जाए और क्या बोलता उस वक्त वहाँ पे कंप्यूटर कौन इस्तेमाल कर रहा है इफ़ द सर्वर फेल ऑल द वर्क स्टेशन आर अफेक्टेड अगर उसका जो सर्वर है जो उसको कंट्रोल कर रहा है अगर वो ही यानी कि डाउन हो जाता है तो उस दिन उनका काम ही नहीं हो सकेगा द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग द इक्विपमेंट इज़ ग्रेटर यानी कि एक कोस्टली काम अब इसके टाइप्स ऑफ नेटवर्क दिए हुए हैं लैन मैन और वैन लैन किया जी लोकल एरिया नेटवर्क जो किसी भी लोकल एरिया के अंदर आ, Uh, किसी भी चीज़ का यानी कि आप नेट का ही देख लें नेट की अगर uh, मखसूस एरिया के अंदर कोई काम कर रहा है तो वो लैन होगा यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क होगा जैसे इसमें एग्जांपल दी हुई है कि टेन एम बी से वन जी बी तक इसकी स्पीड होती है और मैन है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क कनेक्ट मल्टीपल लैन टू वन एंड अदर अ मैन इज मेड फ्रॉम स्विचेस और रूट्स कनेक्टेड टू वन एंड अदर विद हाई स्पीड लिंक्स मैन जो है वो लैन को इकट्ठा करता है और वैन वाइड एरिया नेटवर्क और एक्सटेंडेड नेटवर्क कनेक्ट मल्टीपल लैन टू वन एन ओवर ग्रेट जियोग्राफिक डिस्टेंस द मोस्ट वेल नाउन वैन इज़ द इंटरनेट यानी कि अब जैसे लैन हमने बात की कि इंटरनेट होता है किसी मखसूस एरिया के अंदर तो बहुत सारे एरिया को जैसे मिला के वो पूरे सिटी के अंदर जो है वो इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है कोई एक कंपनी तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया फर्स्ट चैप्टर था उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी किसी किस्म का को कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़